हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की ओर से जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। सीएमओ कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे नजर आए। 2017 में प्रशासन और शासन द्वारा इनकी मांगों को माने जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर मौजूद सभी लोग बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य हैं। ये सभी लोग यहां अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में सभी लोग यहां धरने में मौजूद हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर ही उन्होंने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। अपनी तमाम मांगों को लेकर ये लोग वर्ष 2019 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान बताया है कि 15 फरवरी व 17 वर्ष 2019 फरवरी के दिन सरकार ने इनकी मांगों को मांगे जाने का आश्वासन दिया था। इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई। लगातार सरकार आश्वासन देती रही, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर एक बार फिर से यह सभी लोग अपनी मांगों को लेकर कटिबद्ध हो गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में मौजूद बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सचिन यादव व महामंत्री हरिवंश सिंह चौहान ने सभी लोगों को जागरूक करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन का आगाज किया है। और धरना प्रदर्शन के दौरान ही यह लोग क्या कुछ कहते नजर आए, आप भी सुनिए। आज एक दिवसीय कार्यक्रम प्रदेश आह्वान पर यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता पूरे जनपद से आकर यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ मातृ शिशु कल्याण परिषद की महिला संघ की पदाधिकारी भी हैं। और सभी लोगों का 5 सूत्रीय मांग पत्र है जो शासन में लंबित है। क्या हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगा रहे हैं उपवास के माध्यम से कि हम लोगों के जो 5 सूत्रीय मांग हैं उनको पूरा किया जाए। क्या 5 सूत्रीय मांग हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, नवंबर 2011 तक 2800 ग्रेड पे मिल रहा है हम लोगों को, वेतन विसंगति है। और 1 दिसंबर 2011 से 2000 ग्रेड पे वेतन मिल रहा है, मतलब एक पद पर 2 वेतनमान है, तो उसको समाप्त किया जाए, सबको 2800 ग्रेड पे वेतन दिया जाए। ये प्रमुख हम लोगों की मांग है। और दूसरी, हम लोगों के प्रमोशन, एक कर्मचारी को एक कार्यकाल में 3 प्रमोशन दिए जाते हैं, तो उसमें सभी महिलाओं को और पुरुषों को 3रा प्रमोशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी या ये हमारी जो महिला बहनें हैं उनको HB के माध्यम से ये उनको PHN वगैरह बनाया जाता है, वो पेंडिंग है। हम लोग ये प्रमुख मांगे हैं, और इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी मांगे हैं, उनके आज हम लोग मिलके उन्हें ज्ञापन देंगे CMO साहब को, और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि हम लोग सामूहिक रूप से उपवास करके, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनसे अरदास कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं बड़ा शांत प्रिय तरीके से, कि हमारी भी मांगें उत्तराखंड सरकार ने पूरी कर दी हैं, और हमारी भी सरकार माननीय योगी जी की सरकार भी उन्हें पूरा करेगी।